जिसका आदि होता है उसी का अंत होता है, लेकिन ब्रह्म अनादि है, उसका अंत नहीं। इसकी विलक्षणता देखिए, कहते हैं कि वो अजन्मा है। अजन्मा का मतलब कि जो जन्म नहीं लेता, और फिर भी देखो तो भगवान ने कितने जन्म लिए। तो क्या ये झूठ है क्या? नहीं, पूरे संसार में एक ईश्वर ही है जिसके अंदर परस्पर विरोधी गुणधर्म निवास करते। जो झूठा है वो सच्चा नहीं हो सकता, जो सच्चा है वो झूठा नहीं हो सकता, जो बोलता है मौन नहीं हो सकता। मौनी बोले तो मौनी बाबा है, फिर बोल भी रहे हैं तो मौनी कैसे? किसी एक व्यक्ति के लिए एक डेफिनेशन होती है, लेकिन एक ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, उसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं है। परस्पर दोनों गुण धर्म जहां एक ही समय एक ही साथ बस जाएं, वो ईश्वर है। एक तरफ कहते हैं कि वो जन्म नहीं लेता, अजन्मा है। पूरा संसार जहां से पैदा होता है, दी बिगिनिंग, शुरुआत, प्रारंभ, समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः, उस ब्रह्म रूप मूर्ति को प्रणाम करते हैं। बापू जी ने मुझसे प्रश्न किया, बताओ संसार में सबसे पहली मूर्ति कौन सी हो? राम जी की, कृष्ण की, शिव की, गणपति की, भगवती की, विष्णु की, शक्ति की, सबसे पहली मूर्ति इस संसार में कौन सी? मुझे याद आ गया, मैंने कहा जब कुछ नहीं था इस पूरी आकाश गंगा में, कुछ नहीं था, और जैसे के अंदर लहर पैदा होती है या बुलबुला पैदा होता है, ठीक उसी प्रकार कुछ स्फुरण पैदा हुआ और उसमें एक संकल्प जैसे विचार पैदा होता है, एको हम बहुस्याम, एक हूं बहुत हो जाऊं, और वही परमात्मा विश्व रूप होकर प्रकट हो गया। एको हम बहुस्याम, सूर्य, चंद्र, सितारे, नक्षत्र, ग्रह, ये पूरा हमारा सौर मंडल है, आकाश गंगा। और भगवान का स्वरूप, उसकी कल्पना करो क्या है, उनके एक एक रोम में एक एक ब्रह्मांड। मैंने कल भी इसका जिक्र किया था, बिनु पद चलही सुनहि बिनु काना, बिनु पद चलही सुनहि बिनु काना, बिन कर कर्म करही विधि नाना। कुम्भार को घड़ा बनाने के लिए हाथ चाहिए, आपको सब्जी काटने, छौंक लगाने, आटा गूंदने और रोटी बेलने और सेकने और परोसने के लिए भी हाथ चाहिए। बाल बनाने के लिए भी तो हाथ चाहिए, बिना हाथ के आप अपने बाल भी नहीं बना सकते। क्या पैरों से बाल बनाओगे?
हाथ तो चाहिए, कंघा पकड़ने के लिए भी तो उंगलियां चाहिए। लेकिन ये परमात्मा देखो, बिनु कर कर्म करहिं विधि नाना, बिना हाथ के कितना कर्म कर रहा। आपको यहां आने के लिए गाड़ी चाहिए, मुझे भी चाहिए, हवाई जहाज से आया है, दिल्ली से आए, कोई कहीं से आए, कहीं से आए, बम्बई, गुजरात, कहाँ कहाँ गाड़ी चाहिए। गाड़ी में बैठने के लिए पांव चाहिए, फिर गाड़ी से उतर के पंडाल में बैठने के लिए भी पांव चाहिए। बोले पांव कट गए तो वो व्हील चेयर वो चाहिए। लेकिन परमात्मा कैसा है, उसको चलने के लिए पांव नहीं चाहिए, देखने के लिए आंख नहीं चाहिए। अरे वो तो तुम्हारे अंदर बैठ के देख रहा है, मेरे अंदर बैठ के देख रहा है, वही परमात्मा है। ईश्वर तुम रहते हो मेरी आंखों में, अब पास आओ तो क्या, दूर जाओ तो क्या, तुम तो मेरी आंखों में बसे हो। बिनु पद चला ही सुना ही बिनु काना, ये वाणी सुनने के लिए तो आपको कान चाहिए, और अगर ये साउंड सिस्टम न लगी हो तो आपको मैं क्या बोल रहा हूं ये सुनाई नहीं पड़ेगा। और ए टू जेड के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग जो देश विदेश में देख रहे हैं इस चैनल के द्वारा, वो दर्शन कर रहे हैं, उनको भी देखने के लिए आंखें चाहिए, टेलीविजन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, ये माध्यम है। लेकिन परमात्मा को देखने के लिए आंखें नहीं चाहिए, सुनने के लिए कान नहीं चाहिए, आने के लिए पांव नहीं चाहिए, और कर्म करने के लिए हाथ नहीं चाहिए। लेकिन ये विलक्षणता देखो उस परमात्मा की, कि वो अजन्मा जन्म ले रहा है देवकी की गोद में, वहां वहां रात को 12 बजे जन्माष्टमी के दिन वो पैदा हो रहा है। अवतरित होता है, एक होता है जन्म, एक होता है अवतार, दोनों में क्या फर्क है। अवतरति इति अवतार है, जो अवतरित हो, मतलब अव मतलब आवे, तरति तरे ऊपर से नीचे आवे, डूबे नहीं, तरे संसार में फंसे नहीं, संसार के समुद्र में जो निष्कलंक तैरता रहे, वही है परमात्मा। भगवान का अवतार होता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, कहते हैं भगवान का जन्म दिव्य है, भगवान का कर्म दिव्य है। ऐसा जो तत्व से जानता है वो हे अर्जुन मुझे प्राप्त होता है। आपका जन्मदिन आए, भगवान के जन्म को आप चिंतन करो, याद करो, स्मरण करो, भगवान के कर्मों को स्मरण करो, भगवान के जन्म, उनके कर्म, उनके चरित्र को जब आप चिंतन अनुचिंतन करेंगे और तत्व से भगवान का जन्म क्या है आप जान लोगे। भगवान घोषणा करते हैं, वचन देते हैं कि आपका पुनर्जन्म नहीं होगा, आप भगवान के साथ एक हो जाओगे। भगवान की शक्ति, भगवान का ज्ञान, उसके साथ आप एक हो जाओगे। अचिंत्य व्यक्त रूपा है, जिसका चिंतन नहीं होता, अचिंत्य है, अव्यक्त है, फिर भी तीनों गुणों के अज्ञान की उपाधि से त्रिगुणात्मक है, और समस्त जगत का अधिष्ठान है, आधार है, प्रतिष्ठान है, उस ब्रह्म को नमस्कार करते हैं। अजन्मा जन्म ले रहा है, अचिंत्य जो है वो चिंतन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसी ने बुद्धि दी है, वो चिंतन में नहीं आएगा तो हम तो डूब मरेंगे।
जन्म नहीं लेगा तो हमारा तो क्या ठिकाना, फिर हम तो बेहाल हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ये उसकी कृपा है कि वो चिंतन में आ रहा है, उसी की कृपा है कि वो दर्शन में आ रहा है, इन आंखों से वो दिखाई पड़ रहा है, ये उसकी कृपा है। हमारे लिए आता है, हमारे लिए खाता है, हमारे लिए लेता है, हमारे लिए देता है, हमारे लिए सब कुछ करता है, हमारे लिए नाचता है, हमारे लिए गाता है, हमारे लिए रोता है। हे सीते, हे सीते, सीते सीते करके वो रो रहा है। द्रौपदी की जूती को अपने पीताम्बर में लपेट के वो बगल में दबा रहा है। जीव है अर्जुन, अर्जुन नीचे, अर्जुन ऊपर बैठता है, वो है रथी और भगवान है सारथी। खुद नीचे बैठता है, घोड़े की लगाम पकड़ता है, घोड़ों को चलाता है और जीव आज्ञा देता है। सेनयो रुभयो मध्य रथम स्थापय मेच्युत। ये कौरवों की सेना और ये पांडवों की सेना, इन दोनों सेनाओं के बीच में हे केशव तुम मेरे रथ को ले जाओ। जीव की क्या ताकत है कि भगवान को ऑर्डर करे, भगवान को आदेश दे। हस्तम प्रक्षालयामि अभाद धो। ये जीव की क्या ताकत है कि भगवान को आदेश दे। ये भगवान की ही कृपा है कि जीव को अपने साथ इतना मिला लेते हैं कि जीव को अपना मित्र बना लेते हैं, जीव को अपना सखा बना लेते हैं, जीव को अपना निकट आत्मवत बना लेते हैं, उसके साथ हंसते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ गाते हैं, उसके साथ नाचते हैं, उसके साथ लेते हैं, देते हैं, उसके जैसा हो जाते हैं और वो समझे उस भाषा में बात करते हैं जैसे माता पिता बच्चे की तोतली भाषा में बात करते हैं। तो ये अजन्मा जन्म ले रहा है, जो अचिंत्य है वो चिंतन में आ रहा है, और वो चिंतन में ना आया होता तो इतने पुराण न बनते, वो चिंतन में न आया होता तो उनके इतने चरित्र न बनते, उनकी लीला कथाएं न होती, उनके बारे में इतना प्रवचन न होता, सत्संग न होता, भगवत कथा न होती। और फिर तो हम लोग इसी संसार में उलझ उलझ पच पच के मर जाते। ये उसकी कृपा है कि वो जन्म लेता है और ये बार बार जन्म लेता रहे, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी नाम में, और हम लोगों के जीवन को इसी प्रकार धन्य बना दिया करे। परमात्मा से यही प्रार्थना है। यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म सिर चढ़कर बोलता है, गौ और ब्राह्मण साधु और संतों को जब परेशानी होती है, दिक्कत होती है, और वो लोग नास्तिकवाद और अधर्म से जब परेशान हो जाते हैं, तब धर्म की खोई हुई सभ्यता को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए, संस्कृति की रक्षा करने के लिए, दैवी मूल्यों को फिर से समाज में जागृत करने के लिए, भिन्न भिन्न नाम और भिन्न भिन्न रूप में वो परमात्मा अवतरित होता है, आता है, तैरता है, ऊपर से नीचे आता है। नीचे आने के बाद भी अपनी उस दैवी शक्ति को वो भूलता नहीं। मिट्टी खाई तूने, यशोदा कृष्ण को पूछती है, मुंह खोल अपना, अभी डंडा मारती हूं, निकाल मुंह से मिट्टी, बेवकूफ, पता नहीं है ये कोई खाने की चीज होती है, खोल मुंह, दिखा अपना मुंह, निकाल मिट्टी मुंह से। और कृष्ण मुंह खोलते, मुंह खोलते, मां देखती है मिट्टी खाई, देखते देखते देखती रह जाती है, आवाक,
चकित आश्चर्य से भरपूर माँ ये देखती है कि जिस बच्चे को मैं कान पकड़ के थप्पड़ मार रही, जिसको डंडा दिखा रही, आंखें दिखा रही और जिसको दोनों हाथों को खंभे से पेड़ से बांध रही, वो ही बालक अब मुंह खोला तो क्या दिखा, पूरा ब्रह्मांड यशोदा को दिखाई दे रहा है। ये माँ चकित हो गई, ये क्या है, मानना पड़ेगा कि वो बुद्धि की पकड़ में नहीं आता। मति न लखे जो मति लखे, जिसको बुद्धि नहीं देख सकती जो बुद्धि को देखता है। ऋतम भरा प्रज्ञा, ऋत मतलब सत्य, जिसकी प्रज्ञा सत्य में प्रतिष्ठित हो गई, ऐसे जिसकी दिव्य बुद्धि और दिव्य प्रज्ञा हो गई, वो भगवान के इस स्वरूप को तत्व से जान लेता है और व्यामोह से मुक्त हो जाता है। जैसे जल में कमल रहता है ना, कीचड़ में पैदा होने के बाद भी वो पानी से ऊपर रहता है, ठीक उसी प्रकार ये संसार के मोह माया के विषय विकार वासना तृष्णा अहंता ममता ये सब प्रपंचों के बीच रहता, खाता पीता, उठता बैठता, लेता देता भी सबसे निर्लेप होकर ज्ञानी विचरण करता है। सच्चिदानंद रूपाय, हर चीज का गुण धर्म होता है। नींबू का खट्टा, मिर्ची का तीखा, नमक का खारा, शक्कर का मीठा स्वाद है। उसके अंदर विटामिन प्रोटीन ए वो सब अलग अलग उसके फायदे हैं। पपीता पेट के लिए बढ़िया, सीताफल सौंदर्य के लिए बढ़िया, और ये ग्वार पाठा जिसको बोलते हैं एलोवेरा, वो लिवर के लिए बढ़िया। ये सब चीजों के गुण धर्म होते हैं। भगवान का भी तो कोई गुण धर्म होगा। किसी का स्वभाव गंभीर, किसी का शांत, किसी का उग्र, किसी का जरा जरा बात में गुस्से हो जाने वाला स्वभाव, ये सब लोगों के स्वभावों में भिन्नता हम लोग देखते हैं। एक आदमी का स्वभाव दूसरे आदमी के स्वभाव से पूरा नहीं मिलता, मैच नहीं करता, कुछ कुछ फर्क रहता है। भगवान का क्या गुण है? सच्चिदानंद रूपाय, वो सत्य स्वरूप है। आज भी थे, हजार साल पहले, 2000-5000 साल ये दुनिया चली, उससे पहले, अभी आप और हम नहीं रहेंगे, उसके बाद महाप्रलय हो जाएगा, उसके बाद भी वो तो सत्य रहेगा, चैतन्य है। एक बीज बोया, 5-10 दिन के बाद देखो तो वो अंकुरित होता है। अरे 5 दिन का भी क्या समय, मूंग को रात को भिगो दो, सुबह देखो तो फूल जाते चने, फिर उसको कपड़े में बांध दो या पानी निकाल दो और देखो तो अंकुरित हो रहे हैं। 24 घंटे में तो उसका स्वरूप बदल जाता है, अंकुरित हो जाते हैं। उनको अंकुरित कौन करता है? वो चैतन्य शक्ति है। ये फूल में सुगंध, फूलों में सुगंध किसका है? धरती का। ये चैतन्य शक्ति, पक्षी बोल रहे हैं, समुद्र ज्वार और भाटा निरंतर उसकी लहरें देखो, आती है, बढ़ती है, टकराती है किनारे से, वापस हो जाती है, और ये प्रोसेस 24 घंटे 365 दिन चालू है। सूर्य में भी चैतन्यता है। 5 मिनट पहले देखो, जिस समय मैं यहाँ आया उस समय सूरज जहाँ था अभी अपनी जगह छोड़ चुका, आगे बढ़ चुका। पृथ्वी में भी चैतन्यता है। चंद्रमा में भी देखो तो प्रति सेकंड, माइक्रो सेकंड उसके अंदर भी चैतन्यता है।
आपकी बुद्धि में भी चैतन्यता है। आपके हृदय पे हाथ रख के देखो तो धप 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 हृदय की धड़कन जो चल रही है वो भी चैतन्य शक्ति के द्वारा। 80 साल तक ये हृदय की मशीन चलती है, किसी की 90 साल। एक महात्मा मुझे कुंभ में मिले 127 साल, मतलब 127 साल तक तो उनकी ये हृदय की मशीन चालू है। ये चैतन्य शक्ति के द्वारा हृदय धप 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 करता है। पक्षियों में किल्लोल, फूलों में सुवास, इतनी खेती की जमीनों में देखो कितनी फसल लहला रही है। कहीं सरसों, कहीं बाजरा, कहीं मक्का, कहीं चना, कहीं गेहूं, कहीं कुछ, वो चैतन्य शक्ति के द्वारा एक दाने से 100 दाने 50 दाने बन रहे हैं। देखो तो कितनी सुंदरता है, ये सुंदरता है आनंद, ये आनंद के लिए। इसकी कलाकारी देखो कितनी अच्छी है, इसकी देखो, इस प्रकृति में देखो, पात पात डाल डाल मैं भगवान ने सौंदर्य भरा है। स्त्रियों में देखो, पुरुषों में देखो, पक्षियों में देखो, कितना सौंदर्य है, माधुर्य है। तो भगवान ने आनंद के लिए ये सब भरा है। सत्य चैतन्य आनंद, रोते धोते चीखते चिल्लाते जीवन को घसीटना, ये काम सौंप दो निगुरे अज्ञानी मूर्खों को। तुम तो गुरु के भक्त और भगवान के पुजारी हो, तुम तो हंसते उल्लासित होते जीवन को उत्सव की नाई बिताओ। फेस्टिवल ऑफ लाइफ सेलिब्रेट टुगेदर, जीवन को उत्सव की नाई मनाओ, मिलकर मनाओ।